बिहार की राजधानी पटना में अपने चाय के स्टॉल से फेमस हुई ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता के स्टॉल को नगर निगम के द्वारा हटा दिया गया। इसके बाद ग्रेजुएट चाय वाली स्टॉल चलाने वाली प्रियंका गुप्ता ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। लालू यादव से मिलने के बाद निगम के अधिकारियों ने प्रियंका को उनका ठेला वापस कर दिया। बता दें आपको कि पटना के बोरिंग रोड इलाके में एसके पुरी पार्क के पास नगर निगम ने गुरुवार को यानी 18 अगस्त को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ पर लगे ग्रेजुएट चाय वाले सहित 10 दुकानों को हटाया गया। ग्रेजुएट चाय वाले का ठेला हटाने के बाद से प्रियंका गुप्ता रो पड़ी और सोशल मीडिया पर उनका रोते हुए वीडियो काफी वायरल भी हुआ। इसमें वह कह रही हैं कि अगर स्टॉल हटानी है तो उन्हें कोई एक स्थायी जगह दे दी जाए जहां वह अपनी दुकान चला सके। ऐसे नहीं चलेगा, जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और वो खुद ही रोजगार को छीनने का रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम 6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर प्रियंका आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गईं। लालू से मिलकर उन्होंने मदद की गुहार लगाई और लालू से मिलने के बाद ग्रेजुएट चाय वाली को उनका ठेला वापस मिल गया। जानकारी अनुसार नगर आयुक्त अनिमेश पराशर ने कहा कि चाय की स्टॉल वापस दे दी गई है। जहां वह पहले चाय की दुकान लगाती थी वो वहीं लगाएंगी और उनको आगे कोई परेशानी नहीं होगी।